रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल कैद की सजा को खारिज कर दिया। खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी एमएलए 17 न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, निचली अदालत के खिलाफ हमने अपील दाखिल की थी, फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था, हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है। इस मामले में एक सरकारी वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विशेष अदालत ने आजम खान को मिली 3 साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया। रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल कैद की सजा को खारिज कर दिया। खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी एमएलए 17 न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, निचली अदालत के खिलाफ हमने अपील दाखिल की थी, फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था, हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है। इस मामले में एक सरकारी वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विशेष अदालत ने आजम खान को मिली 3 साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया।